नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे रशिया यूक्रेन जो विवाद है, जो युद्ध हो रहा है उसके बीच एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। यह तस्वीर क्या है? दरअसल रूसी गाड़ियों के ऊपर एक खास निशान बना हुआ है। निशान कैसा है? तो ये निशान है जेड। अलग अलग तरीके से जेड बना हुआ है, कहीं बॉक्स में, कहीं उल्टा, कहीं सीधा। अब इस जेड को लेकर जो है पूरी दुनिया इस बात की मथापच्ची में लगी हुई है, आखिर ये निशान क्यों है, किस लिए है और इसका मकसद क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको इस जेड निशान से जुड़े जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो तथ्य हो सकते हैं, संभावित तथ्य जो हो सकते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आप तस्वीरें जो देख रहे हैं तो उसमें देखिए कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से जो है जेड के निशान बने हुए हैं गाड़ियों में, और इसको लेकर अब कई तरह की राय रखी जा रही है। कुछ लोगों का दावा है कि ये कोई सीक्रेट मिशन के लिए बनाया गया है, तो कुछ एक्सपर्ट्स कोई और राय रखते हैं। अगर आपको हम अब इस बारे में विस्तार से बताना अगर हम शुरू करें, तो रूसी डिफेंस पॉलिसी पर स्टडी कर रहे PhD स्टूडेंट रॉब ली वो जानकारी देते हैं कि ये एक तरह का बड़ा रेड फ्लैग है। ये रूस वार्डिया ट्रूप्स है, ये एवोटाजाक्स गाड़ियों में जा रहे हैं जिनमें कैदियों को ले जाया जाता है। आमतौर पर बेल्गोरॉड इलाके में इन गाड़ियों में जेड का निशान बनाया जाता है। वहीं ये छात्र कहते हैं कि इन निशानों को देखकर लगता है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की सेना ने रूसवार्डिया सैनिकों को भी शामिल किया हुआ है। दरअसल रूसवार्डिया ट्रूप्स का मतलब कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि ये रशियन नेशनल गार्ड हैं जो पुतिन को सीधे तौर पर रिपोर्ट भी करते हैं। ये रशियन आर्म्ड फोर्सेस से अलग है। ये इस सैन्य टुकड़ी की जवाबदेही जो है, जैसा कि हमने बताया, कि सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की होती है। रूसवार्डिया ट्रूप को किसी भी जगह पर घुसपैठ और कब्जा करने के लिए बेहतरीन प्रशिक्षण मिला है। जो रॉब ली हैं वो कई और तस्वीरों को साझा करते हुए बताते हैं कि ये जो निशान बनाए हुए हैं वो रूसी सैन्य वाहनों में TOS-1A थर्मोबैरिक MLRS और T-72B टैंक्स में भी बनाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रूसी सैनिक आपस में गोलीबारी ना कर ले, इसलिए उनके वाहनों की पहचान के लिए ये जेड का निशान बनाया गया है, ताकि वो अपने देश के वाहन को पहचान सकें। इस तरह से युद्ध में बातचीत और संदेश पहुंचाना भी एक तरीका का ये माध्यम होता है। वहीं कुछ और लोग जो हैं वो अलग तर्क रखते हैं। स्काई न्यूज़ के मुताबिक असल में ये जो पूरा मामला है जेड निशान का, वो सिर्फ एक निशान भर है और युद्ध में शामिल वाहनों की पहचान की जा सके इसलिए ये निशान जेड बनाया गया है। और ये बताने के लिए कि कौन से वाहन सैन्य वाहन युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना हुए हैं, ये हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के जो जेड के निशान हैं, कोई बॉक्स में, कोई बिना बॉक्स के, कोई उल्टा, तो वो अलग अलग पहचान के लिए हो सकते हैं। जैसे कि परिवहन के लिए अलग जेड, टैंक्स के लिए अलग जेड, बक्से में जेड हो सकते हैं। वहीं जो प्रोफेसर हैं एक माइकल क्लार्क, उनका कहना है कि अलग अलग स्थानों पर रूस की जो सेना है अलग अलग तरह के निशानों का उपयोग कर सकती है। हो सकता है कि यही जेड के निशान यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाकों के लिए अलग हों और उत्तर पश्चिम इलाकों के लिए अलग हों। फिलहाल कोई भी इस मामले में कोई पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं है। कंक्रीट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि दरअसल इस जेड के निशान का मतलब क्या है, लेकिन फिलहाल जितनी जानकारी सामने आ पा रही है उसके तथ्यों तर्कों के आधार पर विवेचना हो रही है कि ये दरअसल पहचान के लिए भी हो सकती है या कोई संदेश मैसेज देने के लिए अलग अलग टुकड़ियों की पहचान के लिए भी हो सकती है, और खासकर उस आइडेंटिटी के लिए कि ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपस में गोलीबारी सैनिक ना कर ले। फिलहाल ये जेड का जो निशान है वो वाकई में एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी है। इस मामले में अगर हमें और कोई जानकारी हासिल होगी तो हम बताते हैं आपको। देखते रहिए भारत तक।